हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अभय पाटिल, बैक विद अ न्यू वीडियो। आज का जो वीडियो है, हम बात करेंगे रशिया यूक्रेन का जो क्राइसिस चल रहा है। मार्केट ने 5% बैंक निफ्टी ने डिप खाया है और निफ्टी ने 4.78% डिप खाया है, जो कि रीसेंट टाइम में सबसे बड़ा डिप बोल सकते हो आप। ठीक है, सबसे बड़ा फॉल बोल सकते हो। 815 पॉइंट्स निफ्टी फॉल किए, जो कि मुझे रिसेंट डेज में याद है तो सबसे ज़्यादा आज फॉल की है। आज का डे में क्या स्पेशल था? आज मंथली एक्सपायरी भी था, आज वॉर स्टार्ट हो गया, अपने न्यूज़ वीडियोस सब कुछ देखा है। और मैं मतलब ट्विटर देख रहा था, फेसबुक पे ग्रुप्स पोस्ट बहुत जगह देख रहा था, तो लोगों ने अपना अकाउंट वाइप कर दिया आज। लोगों ने जो है, जिनका रिस्क मैनेजमेंट ठीक से नहीं, कुछ लोगों ने अपना डीमैट अकाउंट बंद कर दिया है। और हर जगह आज, मैं अब बिलीव नहीं करोगे, हर जगह मैं कहीं भी जा रहा था, मतलब मैं एक रुका भी कहीं तो बस बात मार्केट क्रैश की हो रही थी। तो इससे हमें पता चलता है कि रिटेल पार्टिसिपेशन कितना बढ़ चुका है मार्केट में, लेकिन लोगों को अपना रिस्क और जो एक्सपीरियंस है वो अभी तक नहीं है। लोग अपना पूरा कैपिटल जो है इसमें डाल रहे हैं। अब देखो, मैं आपको कुछ डेली टाइम फ्रेम पे बताना चाहूँगा। देखो, अभी आप हमेशा रिटेलर क्या गलती करता है, उसकी जब मार्केट टॉप पे जाता है तब आंखें खुलती है, राइट? मार्केट जब टॉप पर जाता है तब उसे लगता है यार अब तो मार्केट डबल होने वाला है, ट्रिपल होने वाला है, तब उसे समझता है कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। मैक्सिमम रिटेल पार्टिसिपेशन जो है 2022 2021 में है। अगर आप 2000, देखो मैं ये चीज़ आपको, बहुत यूनिवर्सल है, इसे याद रखना, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में भी यही चीज़ हुई है, इसमें भी यही चीज़ हो रही है। ठीक है, अब देखना, अभी अगर आप देखोगे तो जो बुल रन है वो कब खत्म हुआ? बुल रन अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये टॉप है, ठीक है, 2021 अक्टूबर, ठीक है। उसके पहले अगर 2021 का थोड़ा हम स्टार्ट देखेंगे तो यहाँ से ऑलमोस्ट फेब, ये जो है वहाँ पे मार्केट स्टार्ट हुआ 15,500। और अगर आप मार्केट देखोगे, थोड़ा अप मूव किया, उसके बाद जो है मार्केट ऊपर जा ही नहीं पा रहे। क्यों नहीं जा पा रहे? वापस अभी ये डिप खा के उसी 15,500 के आसपास आ चुका है। यानी एक साल, अगर आप डाउन द लाइन एक साल की बात करोगे तो जो रिटर्न है वो फ्लैट है, तो जो रिटर्न है वो फ्लैट है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो क्या होता है, मेजोरिटी जो रिटर्न है वो 7,000 से 15,000 तक आ चुका है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, जब मार्केट्स बहुत रिटर्न दे देता है, 2x 3x 10x सब स्टॉक हो जाता है, तब उनकी आंखें खुलती है, तब ये चीज़ें न्यूज़ में आने लगती है, तब लोगों का जो एंट्री पॉइंट है तब टॉप पर होने लगता है। उसकी वजह से क्या होता है, जब हर कोई यहाँ पे बाय करना शुरू कर दे, इतना टॉप पे बाय करना शुरू करे, तो मार्केट में सेलर ही नहीं बचता। तो मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो यहाँ पे सेलर्स, शॉर्ट सेलर्स चाहिए होते हैं। अगर सब यहाँ पे 90% लोग बाय करते तो मार्केट ऊपर नहीं जाता। उसके लिए क्या होता है, मार्केट नीचे आना शुरू करता है, उन बायर्स का एसएल हिट करना शुरू करता है, जब सब जो रिटेल ट्रेडर्स है वो निकलते हैं, तब मार्केट मूवर्स इसे वापस अप रैली कराते हैं। तो ये मार्केट की हिस्ट्री हमेशा ऐसे होता है। और क्रिप्टो करेंसी का भी आप चार्ट देखोगे, बॉटम से जब टॉप पे गया उसके बाद फ्लैट हो गया, मतलब ऊपर जाता है फिर नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, एक साल से फ्लैट हो गया। तो आपको ये समझना चाहिए, अगर अभी आप इन्वेस्ट कर रहे हो हैविली, जिन्होंने बहुत बड़े लॉसेस किए, तो ये 5% ठीक है, न्यूज़ है। अगर न्यूज़ भी नहीं होती तो ये ऑब्वियस सी बात है। देखो यहाँ पे एक डबल टॉप भी बना है डेली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि डबल टॉप बना के एटलीस्ट प्रॉफिट बुकिंग हमें 14,000 लेवल, 15,000 लेवल यहाँ तक देखने मिल जाए। और अगर आएगी तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि मार्केट देखो कहाँ से ट्रेवल कर रहा है। अगर आप ब्रेकआउट लेवल देखोगे, प्रीवियस हाई देखोगे, तो इट वॉज 12,451, तो ब्रेकआउट पे अभी तक रिटेस्ट करने भी नहीं है। तो अगर ये नीचे आता है तो ठीक है, न्यूज की वजह से थोड़ा एक्सेलरेशन मिला है, पर अगर आप देखोगे काफी वॉलेटाइल है मार्केट, कुछ महीनों से बहुत अप डाउन कर रहा है, ज्यादा बड़ा मूव, ज्यादा देखो यहाँ पर अप मूव किया लेकिन उसी डबल स्पीड से 5 दिन में डायरेक्ट नीचे आ गया। तो अभी अगर आपने पार्टिसिपेशन किया तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मार्केट को समझो पहले, कि मार्केट कैसा वर्क करता है। कम क्वांटिटी लो, मतलब बहुत मैंने पोस्ट देखी, मैं इमोशनल हो गया कि लोग बर्बाद कैसे हो गए, लोगों ने अपना गाड़ी ये सब चीज़ें आज के क्रैश में बेच दी, क्योंकि उनकी एंट्री पॉइंट्स आप देखते हो ऑल टाइम हाई पे होती है। मार्केट ऑल टाइम हाई गया, अब यहाँ से पैसे डबल ट्रिपल होंगे, मतलब मैं अभी भी लोगों को मार्केट्स का बहुत कम लिटरेसी है, मार्केट्स का बहुत कम नॉलेज है, और वो टॉप पर आकर बैठे हैं, टू लास्ट 6 7 मंथ्स 8 मंथ्स में आकर बैठे हैं, जब मार्केट ऑलरेडी टॉप पे था।
जो लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा है इस ड्यूरेशन में, तो उन्हें ये ऐसे छोटे डिप से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बड़ा टाइम फ्रेम देख रहे हैं, बिग पिक्चर देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर ही जाने वाला है, ठीक है। लेकिन बात पड़ती है एंट्री की, कहाँ पे आपकी एंट्री है। और अगर आज देखोगे तो आज मैंने बिल्कुल ट्रेड नहीं किया, चलो इंट्राडे की बात करते हैं, तो ये हम तो इन्वेस्टर्स और स्विंग ट्रेडर्स की बात किए। आज मैंने बिल्कुल भी ट्रेड नहीं किया। देखो एनालिसिस मेरे पास रेडी था, ये मैंने एक दिन पहले ही बनाया था। यहाँ पर मुझे दिख रहा था कि मार्केट जो है 200 EMA को ब्रेक कर चुका है। देखो 200 EMA से, यहाँ पे अगर मैं आपको जूम करके बता दूँ तो देखो यहाँ पे 200 EMA से बार बार रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, और ये मूव डिफाइन कर चुका था कि मार्केट जो है डाउन ट्रेंड के मूड में। लेकिन मार्केट खुलते से सपोर्ट के नीचे खुल गया और डायरेक्ट जो है डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। अगर आप मेरे दोनों अकाउंट देखोगे तो यहाँ पर भी कुछ पोजीशंस, अगर यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे भी कुछ पोजीशंस आज नहीं था। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ तो यहाँ पर भी कुछ पोजीशंस नहीं था। तो मैं, मेरे वॉचलिस्ट में चीज़ें थी और लेकिन मैंने आज कुछ पोजीशन नहीं ली, क्योंकि आज न्यूज़ है, ठीक है, न्यूज़ है। अगर एनालिसिस आज न्यूज़ नहीं होती तो एनालिसिस के हिसाब से मैं इसे शॉर्ट भी करता, लेकिन न्यूज़ में क्या होता है कि मार्केट न्यूज़ पे बिहेव करता है। समझो ऐसा हो जाता कि रशिया कह देता कि वो अपने ट्रुप्स विड्रॉ कर रहा है, 1000 पॉइंट्स हो सकते हैं, 1000 पॉइंट्स ऊपर बूम हो जाए और हर कोई शॉर्ट करके बैठा है, तो वॉलेटिलिटी, मंथली एक्सपायरी, न्यूज़, तो कुछ भी हो सकता है। तो उसकी वजह से बेटर है कि ऐसा इवेंट को आप देखो। न्यूज़ क्या होता है, न्यूज़ पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, आपके हाथ में न्यूज़ नहीं, तो आप उस बेसिस पे कैसे ट्रेड कर पाओगे। ट्रेडिंग ये होता है कि आपको पता है आपका एनालिसिस डन है, उस हिसाब से आपने ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस लगाया। लेकिन यहाँ पे ऐसी चीज़ होती है न्यूज़ में, एक स्मॉल न्यूज़ भी जो है मार्केट को 1000 पॉइंट्स नीचे, 2-3% नीचे, 2-3% ऊपर कहीं भी ट्रिगर कर सकती है। तो ये अगर आपने आज लॉस किया, आपके लिए सबक था, नेक्स्ट टाइम जब न्यूज़ आती है, मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आप जाकर देख सकते हो, लिंक जो है बायो में, उसमें मैंने कहा भी था कि आज मार्केट इतना ह्यूज गैप डाउन खुला है, बहुत बड़ी न्यूज़ है, मार्केट से दूर रहो। भले ही मार्केट देखो अज्यूम कर सकते हो वॉर है, मार्केट नीचे गिरने वाला है, लेकिन शॉर्ट भी मत करो। पता चला मार्केट कुछ न्यूज़ आई पॉजिटिव, मार्केट रैली कर गया, तो इसलिए आपको न्यूज़ के दिन दूर रहना चाहिए मार्केट से। ये बहुत बड़ा सबक है, अगर आप नहीं सीखे हो आज तो आपको ये से सबक सीखना चाहिए। और इन्वेस्टर्स के लिए देखो, अभी अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखते हो तो देखो 200 EMA के नीचे फर्स्ट टाइम मार्केट जा चुका है। देखो जहां से ब्रेकआउट दिया, 200 EMA बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, फर्स्ट टाइम ब्रेक किए, तो अभी ये टेक्निकली डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है निफ्टी। जब तक 200 EMA क्रॉस नहीं होता है तब तक आपको जो है बाइंग पोजिशन नहीं रखनी है, वेट करना है। देखते हैं ये अगर 15,943 जो सपोर्ट है, 16,000 ये मेजर सपोर्ट से, अगर यहाँ पे मार्केट सस्टेन करता है तो वेल एंड गुड, वरना मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा। ओके गाइस, तो ये मेरा एनालिसिस था, आज का व्यू था, और अभी आपको आप पे डिपेंड करता है, मार्केट में उतना ही डालो जितना आप लूज कर सकते हो, जितना आप रिस्क कर सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और कल देखना, वेट करना, कल भी ट्रेड मत करना, अभी भी वॉच चल रहा है। ये 3-4 दिन अगर आप ट्रेड नहीं करोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, मार्केट आपके, मार्केट जब सेटल होएगा बहुत टाइम आएगा ट्रेड करने के लिए, प्रॉफिट्स करने के लिए, ठीक है। मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, आपका कैपिटल जा सकता है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक।